एक पाई कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? सभी यही पूछ रहे हैं, इतने लोगों ने सवाल पूछा, मैंने कहा इस पे वीडियो ही बना डालूं। लेकिन इससे पहले कि इस पे चर्चा हो, मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जिनको समझ में आए कि ये पाई कॉइन है क्या और उनका इंटरेस्ट बन जाए कि चलो यार मैं भी माइनिंग में लगता हूं, उनके लिए संदेश है, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि माइन पाई जो है ये आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, अपने फेसबुक से लॉग इन कर लो, अपना नाम डालना है, नाम ओरिजिनल डालना जो आपके आधार कार्ड पे है, फेसबुक पे भी आपका वही नाम होना चाहिए। माइन पाई डाउनलोड करने के बाद अपने फेसबुक से लॉग इन करो, आपका वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछेगा वो डालो, उसके बाद पूछेगा कि आपको यूजर नेम क्या रखना है, अपने अल्फाबेट के नाम को कंबाइन कर दो, देखो कि अगर वो अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो उसके साथ अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर जोड़ दो, आपका वो क्या बन जाएगा, इनविटेशन कोड आपके अपने नाम का बन जाएगा। अब उसके बाद जब आप नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंचोगे, वो पूछेगा इनविटेशन कोड या रेफरल कोड। रेफरल कोड इंपॉर्टेंट है, अगर आपको माइनिंग में जुड़ना है उस आदमी का रेफरल कोड चलेगा कि जिसको ऑलरेडी जिसने माइनिंग स्टार्ट की हुई है। तो रेफरल कोड आपको क्या यूज करना है, रेफरल कोड यूज करना है आशा बख्शी, ASHABAKSHI कैपिटल में, कंटिन्यूस आपकी स्क्रीन पे ये चल रहा है, इसको आप यूज करो रेफरल कोड को, क्योंकि ये ट्रस्टेड नेटवर्क है, कभी बंद नहीं होता, आपको वही नेटवर्क चलेगा जो कभी बंद नहीं हो। अगर आप किसी का यूज करोगे वो बंद हो गया तो आपकी सारी मेहनत जो है बेकार रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं पाई कॉइन के वो आप देख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो आप देखिए, उस पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप में से काफी सारे दोस्तों ने मुझे जो है पाई कॉइन की वैल्यू के बारे में क्वेश्चन किया है कि पाई कॉइन की वैल्यू क्या हो सकती है। ऑल्दो मैंने कई वीडियो में ये आपके साथ खुल के डिस्कस किया है, तो मैंने कहा कि काफी ज्यादा इस पे आप लोगों की जिज्ञासा है कि पाई कॉइन की वैल्यू कहां तक पहुंच सकती है, क्या हो सकती है। वहीं कई मेरे दोस्त जो है वो मुझसे अलग अलग करेंसीज के बारे में पूछ रहे हैं, कईयों ने पूछा कि इलेक्ट्रोथियम उसमें और पाई कॉइन में क्या डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले तो ये उनको ये बताना चाहता हूं, हर करेंसी का अपना सिस्टम है, अपना स्टैंडर्ड है, अपना माइनिंग करने का तरीका है। मैं जिसके बारे में स्टडी कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उसी के बारे में आपसे बात कर सकता हूं, दूसरी करेंसीज के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और मुझे भी लग रहा है कि आप भी अगर पाई कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो आपको इसी पे ही इंटरेस्ट देना चाहिए, इसी पे विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, कुछ दोस्तों ने यह भी मुझसे सवाल किए कि क्या पाई कॉइन की माइनिंग इलीगल है। अभी तक तो फिलहाल इंडिया में इलीगल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बैन हटा दिया है और अभी सरकार ने भी कोई इस पे नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। वही मेरे एक दोस्त ने मुझसे यह सवाल किया था कि TCS जो है, ये TCS ने भी कुछ किया है इसके ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो वो क्या है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, TCS ने जो नया एक प्लेटफॉर्म दिया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है क्वार्ट्स नाम से, तकरीबन 2 दिन पहले, जिसका नाम है क्वार्ट्स स्मार्ट सॉल्यूशन, जो बैंक्स और इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज है उनके लिए ये क्रिप्टो करेंसी में जो है मदद करेगा। लिखा क्या है, द प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल असेट्स, डिजिटल कॉइन्स लिंक टू फियट करेंसीज, ट्रेडिंग चैनल्स एंड पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क, देयर बाय ऑफरिंग चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमर्स इन देयर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। काफी अच्छा स्टेप है। अगर ये बैन होना होता या ऐसा कोई चीज होती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दिया, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको बैन करने में कोई दिलचस्पी दिखाएगी। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो इस पे वो अपना जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करती। एक और खबर है, TCS इज रेडी टू माइन द न्यू क्रिप्टो इकोनॉमी, स्नैचेस अर्ली मूवर एडवांटेज विद क्वार्ट्स, कि अर्ली मूवर जो एडवांटेज है उसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
अब तीसरा मेरे दोस्त वो जो ये जानना चाहते हैं कि वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी मैं आपको बता दूं, अभी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, माइनिंग स्टेज में है। जो आदमी आपको इस वक्त ये बोल रहे हैं कि मैं काइन का आपको ये कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, वो कर देता हूं, वो सब क्या है, सब धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। कहीं भी आप कर लो, अभी जो पाई का जो कंपनी है जो इसको माइनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च करोगे, उनकी साइट पे वाइट पेपर देखोगे, तो वो खुद कहते हैं कि अभी पाई की कोई वैल्यू नहीं है। आने वाले टाइम में बन कितनी सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं बिटकॉइन जो है 2008 में जीरो था, आज 8 लाख रुपया वैल्यू है। तो क्या हमारे आने वाले टाइम में पाई कॉइन की कोई जो है अच्छी वैल्यू बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। उसका रीजन ये है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, रिच डैड पुअर डैड अदर ऑथर गोल्ड गाइज आर बीइंग फेज्ड आउट। इनका कहना है, आप एक बार स्टील करके पढ़ भी सकते हैं, कि वह लोग जो सोने में और करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उनको इस सोने में और करेंसी से रिटर्न से कोई फायदा नहीं होगा। वहीं इन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले टाइम में जो काफी इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज है, 3 साल के बाद बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो तकरीबन 75,000 डॉलर तक पहुंच सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एनालिस्ट बात कहते हैं वो कुछ पैरामीटर्स को देख के कहते हैं। आप इसकी बात को इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सभी दोस्तों की एजुकेशन के लिए, क्योंकि लाखों दोस्त मेरे जो हैं इसकी माइनिंग कर रहे हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए मैंने बोला कि मैं एक बार एक वीडियो ही बना देता हूं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। जिस स्पीड से ये करेंसी बढ़ रही है, जिस स्पीड से लोग इसकी माइनिंग कर रहे हैं, जितने कम समय में इस करेंसी ने अपनी एक मार्केट में पहचान बनाई है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में तकरीबन 5 साल में, एनी वेयर बिटवीन, अगर 3 साल में 75,000 डॉलर अगर आपका बिटकॉइन पहुंच सकता है, तो 1,000 डॉलर तो मामूली है, 1,000 नहीं तो 500 डॉलर तो मामूली है जो इसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। 100 डॉलर, 50 डॉलर कुछ भी आप मान के चल सकते हैं। बट एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, बट आई एम थिंकिंग इन द नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स, अगले 5 से 8 साल में एक पाई कॉइन की वैल्यू 500 से 1,000 डॉलर के बीच में होनी चाहिए। मतलब अभी भी आपके पास थोड़ा सा समय है, अगर आप फोर्स लगाएंगे, थोड़ा अपनी पाई कॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो शायद आने वाले टाइम में ये कॉइन आपका फ्यूचर बदल सकने की ताकत रखता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर कल को कंपनी बेच दे, प्रमोटर्स कोई बैंक टेक ओवर कर ले, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कल यूएसए का कोई बहुत बड़ा बैंक जो है इसको टेक ओवर ही कर ले पूरे का पूरा, तो कहने ही क्या, क्योंकि प्रमोटर्स जो है वो उनके दिमाग में कोई 100 स्ट्रेटजीज चल रही होगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है आज जिस हिसाब से नेटवर्क है, जिस हिसाब से कॉइन लोगों ने माइंड किए हैं, जिस हिसाब से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कल को जल्दी ही ये क्या है लोगों, और सबसे बड़ी बात है लोगों के मोबाइल में इसने अपनी जगह बनाई है। फिर मैं रिपीट करता हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार रिपीट किया था, गूगल प्ले स्टोर जब आया था शुरू शुरू में कुछ भी नहीं था, बहुत कम एप्लीकेशन होती थी, आज 20 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर में है। वैसे पाई एप्स ने भी अपना जो है एक अलग से नेटवर्क बनाना शुरू किया है, काफी कुछ इनका चल रहा है, एग्रेसिव है, टीम बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। तो आने वाले दिन में, और कहते हैं कि जब रेस में घोड़े दौड़ते हैं, तेज घोड़े दौड़ते हैं, तो जो लूले लंगड़े घोड़े होते हैं वो भी भागना शुरू कर देते हैं। तो आप उस उदाहरण को भी आगे अपनी जिंदगी में अमल आपने ला सकते हैं। तो जब बिटकॉइन जो घोड़ा है, जो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा घोड़ा कौन सा है, वो बिटकॉइन है, तो जब बिटकॉइन दौड़ेगा, जब वो 75,000 तक पहुंचेगा, तो जो छोटे छोटे लूले लंगड़े घोड़े हैं ये भी दौड़ेंगे, और उस दौड़ में अगर आपके बाकी जो अच्छे अच्छे कॉइन है वो 2,000-5,000 डॉलर तक पहुंच गए, तो ये भी 500,000 डॉलर से कम नहीं रहेगा। ये बात आप जो है विश्वास मान के चलिए, बाकी वो भगवान ही जानता है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मेरा काम था कि जो मुझे समझ में आया, जो मेरे दिमाग को समझ में आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अब अगर आप इसके बाद भी आपके पास कोई सवाल बचता है तो आप जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नीचे हैं, चल रहे हैं, तो आप किसी भी कॉन्टैक्ट पे मुझे फॉलो कर सकते हो।
दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है, वो आप सोचना, इसको मिस मत करना, आपको लालच दिया जा सकता है। दूसरी कंट्री के लोग आपके फेसबुक से क्या करेंगे, वो उनको पता है कि इस वक्त काफी लोग जो है वो माइनिंग कर रहे हैं, और इस पे मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी आप देखना। लेकिन अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं कि चाइना में इस टाइम पे वह लोग जिनके पास कॉइन है, तो जिनके पास कॉइन नहीं है वो लगभग तकरीबन 1 से 1.5 युआन इंडियन करेंसी में वैल्यू बनती है, 1 युआन है तकरीबन 10-11-12 रुपए का, तो वो आपको 12 से 15 रुपए दे रहे हैं एक कॉइन के, और आपसे क्या करेंगे, वो एक आपका आईडी कार्ड ले लेंगे और साथ में आप बोलेंगे कि आप अपने फेसबुक का कंट्रोल उनको दे दो, ताकि वो जितने कॉइन आपने माइन किए हुए हैं वो क्या करेंगे उस कॉइन के ऊपर अपना जो है कल को क्लेम कर सकते हैं अपने लिए। तो भूल से भी जो है ऐसे लोगों के झांसे में मत आना, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो एक कॉइन को माइन करने में। तो सस्ते में ये नहीं सोचना कि मुझे आज 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया मिल रहा है तो मैं ये कॉइन दे दूं, क्योंकि ये जो 24 घंटे के बाद 10 सेकंड के लिए बटन दबाना है ना, ये सबसे बड़ी मेहनत है। कई आदमी जो है इसको सोचते हैं, दिमाग से स्लिप हो जाता है, मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, कहीं 2-2 दिन तक इसको जो है माइन नहीं करते तो उनके कॉइन इतने माइन नहीं हो सकते। तो कई सोचते हैं कि ऐसे क्या फायदा, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, मैं और आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद हमें जरूरत है, हम अमीर बनना चाहते हैं। तो कईयों के पास बिल्कुल कमी नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, उनको अगर रेडीमेड मसाला मिल जाए, खाना मिल रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि आप मुझसे पैसे ले लो और कॉइन का कंट्रोल मुझे दे दो। ऐसी बेवकूफी कभी ना करना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आपको पछताना पड़ सकता है। यहां मैं उदाहरण ही आपको देने की एक वो करूंगा, एप्पल कंपनी के जो ओरिजिनल प्रमोटर थे, एक बार आप गूगल कीजिए, मैं नाम खुद नहीं बताऊंगा, एप्पल कंपनी के जो ओरिजिनल प्रमोटर थे उन्होंने क्या किया, कंपनी चली नहीं तो उन्होंने क्या किया, थक हार के कंपनी बेच दी। लेकिन जो नए प्रमोटर आए उन्होंने क्या है, वही कंपनी चली आने वाले टाइम में, क्योंकि शायद उन्होंने कम टाइम दिया, उन्होंने सोचा शायद ये कंपनी चलेगी नहीं, उन्होंने कंपनी जो है कोड़ियों के भाव बेच दी। आज एप्पल की वैल्यू देखो, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, यूएस वाले जो भी काम करते हैं वो आधा अधूरा नहीं छोड़ते, काफी कम लोगों जो जैसे इंडियंस क्या कर देते हैं, रिसर्च करते हैं इसका कैसे होगा, क्या होगा, मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा, मैं वैसा तो नहीं कर रहा। यूएस वाले ऐसा नहीं करते, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं तो उसको जो है आखिर तक कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी सोशल मीडिया हम यूज करते हैं कंपनीज, वो सारी कहां की है, यूएस की है। तो विश्वास रखिए, ये काइन आपको जो है जरूर, अगर आप माइन अच्छे काइन कर लेंगे, मान लो 500,000 काइन मानकर आपने माइन कर लिए, 8-10 साल में, आई एम रिपीटिंग इट, ये काइन आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखता है, अगर आपके पास 500,000, 2,000 काइन हो गए तो। इसीलिए माइन कीजिए, अपने दोस्तों को लगाइए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, सिक्योरिटी सर्कल को अपने वो जो है ताकतवर बनाइए, ताकि जो है आप पीछे नहीं हटे। इसी के साथ मैं वीडियो यही खत्म करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मेरा और आपका संबंध जुड़ेगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको जो है उसके जवाब सर्च करके खोज के ला के दूंगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।